Hey guys, this is Rajat Valecha and you are watching Computer Learn. In today's video, we are going to talk about our fourth part of Python series and our today's video will be on variables and assignment of values to our variables. So without any further ado, let's get started. If you have seen our previous videos, you must have seen that in the second part of this series, वी हैव डिसक अबाउट वॉट आर वेरिएबल्स एंड वॉट आर कॉन्स्टेंट्स राइट वेन एवर वी आर मेकिंग आइटिंग प्रोग्राम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स एंड देन टू स्टोर द वैल्यूज इन द वेबल्स फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब भी हम लोग रियल लाइफ में कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहाँ पर हम लोग बहुत सी बार बहुत सारी वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं ये वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर रही होती हैं एंड बाद में हम लोग क्या करते हैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज में या अपने एक्सप्रेशंस में कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली जब भी हम लोग पाइथन के प्रोग्राम्स बनाएंगे यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल्स को बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड एन वेरिएबल्स को यूज़ करते टाइम इन वेरिएबल्स में हम लोगों को वैल्यूज़ या तो यूज़र से इनपुट करवानी होंगी या फिर हम लोगों को ये वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेंगी हमारी वेरिएबल्स में तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स असाइनमेंट्स एंड इनपुट्स के बारे में कि कैसे हम लोग वेरिएबल को बनाएंगे कैसे हम लोग उसमें वैल्यूज़ को असाइन करेंगे कितने टाइप के असाइनमेंट्स हैं क्या बढ़िया फ़ीचर्स हैं पाइथन के और फिर हम लोग बात करेंगे कैसे यहाँ पर यूज़र इनपुट देगा तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आखिरकार वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स को बनाने से पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल क्या होता है भाई वेरिएबल इज़ अ नेम गिविन टू एनी एंटिटी आपके प्रोग्राम से रिलेटेड किसी एंटिटी जिसकी वैल्यूज आपको नहीं पता है आप उसको एक नेम देते हो एंड दैट नेम इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल ये बेसिकली क्या होता है आपके प्रोग्राम के किसी एक एंटिटी का नेम होता है सबसे पहली चीज़ सेकेंड ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोग्राम फाइन सो इट मीन्स ये कहाँ पर होता है भाई ये हम लोगों के प्रोग्राम से रिलेटेड होता है एंड वेरिएबल्स कुछ रूल्स फॉलो करते हैं दे फॉलो सर्टेन रूल्स नाउ वन बाय वन वी दी टॉक अबाउट व्हाट आर द रूल्स जो हम लोगों के वेरिएबल्स फॉलो करेंगे देखिए सबसे पहला जो रूल्स हम लोगों के वेरिएबल्स फॉलो करते हैं आपको समझना बहुत जरूरी है अदरवाइज पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है जब भी हम लोग बात करेंगे वेरिएबल के नेम की इन शॉर्ट आई एम राइटिंग वेर नेम ये जो हमारे पाइथन के वेरिएबल नेम्स होंगे इन वेरिएबल के नेम में हम लोग लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हैं पाइथन के वेरिएबल नेम्स में हम लोग लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हैं सबसे पहली चीज सबसे दूसरी चीज हम लोग कभी भी हम लोग कभी भी वी कैन नॉट स्टार्ट एनी वेरिएबल नेम विद नंबर हम लोग कभी भी किसी भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज स्पेसिस आर नॉट अलाउड वेन एवर यू विल क्रिएट वन वेरिएबल नेम उसमें आपको स्पेसेस यूज नहीं करने हैं एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम हम लोगों के पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो और सेकेंड चीज वी कैन स्टार्ट a var name with underscore symbol हम लोग वेरिएबल के नेम्स को अंडरस्कोर सिंबल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं ये आप लोगों को बेसिक से रूल्स आए लोगों की पुरानी वीडियो से याद होगा राइट तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं पहली चीज तो हम लोगों को ये पता करना है कि भाई वेरिएबल्स हैं क्या वेरिएबल्स एक नेम है जो हम लोग किसी एंटिटी को दे रहे हैं कोई एक ऐसी एंटिटी जो हमारे प्रोग्राम के लॉजिक से रिलेटेड है एंड वेरिएबल के जो नेम्स हैं उनमें कुछ रूल्स फॉलो होंगे जैसे कि वेरिएबल के नेम में लेटर्स नंबर एंड अंडर्स को सिम्बल यूज हो सकता है हम लोग इसको किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे स्पेसेस आर नॉट अलाउड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एंड वी कैन स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद को सिंबल प्लस अलॉन्ग विद डेट स्पेशल सिंबल्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड ओनली वन सिंबल इज अलाउड दैट इज अंडर बाकी रिमेनिंग सिम्बल्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स तो ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग आखिरकार इन वेरिएबल्स को बनाएंगे कैसे आंट यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को स्टोर कैसे करेंगे अज्यूम करते हैं मैं पहले यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग इस लाइक सिनारी को समझेंगे अज्यूम करते हैं आपको एक प्रोग्राम लिखना है आई एम सेइंग राइट अ प्रोग्राम टू आर टू एंड थ्री हाँ एक सिंपल सा प्रोग्राम लॉजिक है हमारे पास जहां पे हमें दो नंबर को ऐड करना है टू एंड थ्री को सो so, अब देखिए हम लोग इस प्रोग्राम लॉजिक को पाइथन में कैसे करेंगे सबसे पहली चीज अगर हम लोग इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है टू एंड थ्री एंड अगर आपको उन वैल्यूज को ऐड करना है तो उस प्रोग्राम को करने की मल्टीपल टेक्निक्स हैं पहले मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच दिखाऊंगा फिर मैं आपको एक वेरिएबल वाली अप्रोच दिखाऊंगा और उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा सबसे पहली अप्रोच नंबर जो वन है हमारे पास आप इसको डायरेक्टली ऐसे प्रिंट कर सकते हैं आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट ब्राकेट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए सम इज कॉमा टू प्लस थ्री ठीक है आप कुछ इस तरीके से एक सिंगल लाइन में इसको लिख सकते हैं अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी रास्को में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं भाई ये है क्या ये जो हम लोग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग जो एक मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रिंट मेथड इसका काम होता है हमारी कंसोल विंडो पे कुछ भी प्रिंट करवाना आप इसके ब्रैकेट्स के अंदर पैरंथिस के अंदर जो भी कुछ लिख देंगे ये वैल्यू हमारी कंसोल विंडो पे प्रिंट हो जाएगी कैसे प्रिंट होगा ज़रा उसको समझिएगा जो भी हम लोगों ने कुछ डबल कोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है ये एज अ स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर होती है एंड ये स्ट्रिंग जो है हमारी ये जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है भाई ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है ये एज अ कॉन्सटेंट एज इट इज़ हमारे आउटपुट विंडो पर आ जाएगी

तो लेट्स अज्यूम हम लोग क्या करते हैं हम लोगों ने एक नंबर अज्यूम कर लिया ए एक वेरिएबल अज्यूम करा ए जहां पर मैं स्टोर कर देता हूं टू को सेकंड वैल्यू के लिए मैंने अज्यूम कर लिया वेरिएबल बी जहां पर मैं स्टोर कर लेता हूं थ्री को फिर मैंने लिख दिया c is to a plus b एंड देन आई एम प्रिंटिंग द सम सो आई हैव रिटन प्रिंट सम इज c अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये है क्या और वर्क कैसे कर रहा है क्या क्या चीजें यहां पर ध्यान देने वाली हैं हमारे लिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू टू अब इस पूरे सिनारियों में अगर हम लोग इस ए इज इक्वल टू टू को थोड़ा सा हाईलाइट करें तो इस एज इक्वल टू टू में ये जो ए है ये एक वेरिएबल का नेम हो गया ये टू एक वैल्यू है एंड अगर मैं इस इक्वल टू की बात करूंगा तो ये जो इक्वल टू हम लोगों ने यहां पर यूज करा है इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर ये इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर क्या करता है भाई राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखे हुए वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है बट पाइथन में थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है पाइथन में क्या होगा वैसे कल ये जो हमारा वेरिएबल ए है ये इस वैल्यू टू को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो जहां पे भी मेमोरी में वैल्यू टू स्टोर होगी पाइथन वेरिएबल ए क्या करेगा उस वैल्यू को पॉइंट करना नॉर्मली स्टार्ट कर देगा अब जरा इसको हम लोग थोड़ा सा आगे और एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल टू थ्री सी इक्वल टू ए प्लस बी तो यहाँ पे भाई हुआ क्या हमारे वेरिएबल ए में टू स्टोर हो गया बी में हो गया थ्री स्टोर वेरिएबल सी में स्टोर हो गया ए प्लस बी उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से तो आप कुछ इस तरह से अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एज वेल एज बहुत सारे ऑपरेशंस को भी स्टोर करने के लिए जैसे अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी तो इसको हम लोग बोलते हैं एक एक्सप्रेशन जी यह यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कर क्या रहा है भाई ये एक्सप्रेशन एक ऑपरेशन को कैरी कर रहा है एंड दैट ऑपरेशन इज ए प्लस बी जहाँ पर हम लोग दो वैल्यूज को ऐड करके उसका सम हमारे वेरिएबल सी में स्टोर कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से पाइथन में हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और इनको असाइन करते हैं अब जरा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इसी प्रोग्राम से समझते हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने जब इस वेरिएबल को डिफाइन करा और जब मैंने इसकी वैल्यू दी तो मैंने वेरिएबल को ये नहीं बताया कि वैल्यू का टाइप क्या है या फिर वेरिएबल का टाइप क्या है अब पाइथन क्या करता है भाई पाइथन डायनेमिकली हमारी वैल्यू को एनालाइज करके हमारे वेरिएबल के टाइप को सेट कर देता है अब इसका मतलब क्या है जरा इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं तो पहले ज़रा मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रेज यहाँ से कर देता हूँ अब हमको यहाँ पर एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप पाइथन में लिखते हैं a इज इक्वल टू टू या अगर आपने लिखा a इज इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव या अगर आपने लिखा a इज इक्वल्स टू ए बी सी इन डबल कोट्स ठीक है या अगर आपने लिखा यहाँ पे कुछ इस तरीके से वन कामा टू कॉमा थ्री आपने एक लिस्ट बना ली या अगर आपने एक सेट बना लिया यहाँ पे b इज इक्स टू वन कामा टू थ्री पाइथन क्या करता है भाई पाइथन लेफ्ट में लिखी हुई वैल्यू को चेक करता है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने इस वेरिएबल का टाइप सेट कर देता है पाइथन क्या करेगा इस वैल्यू को चेक करेगा एंड इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल के टाइप को सेट कर देगा इट मीनस अगर आपने इस टाइप में जो जो वैल्यू लिखी हुई है साइड में वो इंटीजर टाइप की है तो ये जो हमारा वेरिएबल ए है ये अपने आप इंटीजर टाइप का बन जाएगा अगर इस साइड में लिखी हुई वैल्यू हमारी फ्लोट टाइप की है तो क्या होगा भाई वेरिएबल है अपने आप उसको फ्लोट टाइप का अज्यूम कर लेगा पाइथन वेरिएबल एक फ्लोर टाइप को बना देगा अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तो वेरिएबल ए का टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू लिस्ट टाइप की है तो ए का जो टाइप है वो लिस्ट हो जाएगा एंड अगर ये सेट टाइप की है तो वो सेट हो जाएगा इट मीनस जो भी आप कुछ आपको पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग इस वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज होता रहता है आप इस टाइप को चेक भी कर सकते हैं बाई यूजिंग टाइप मेथड ऑफ पाइथिन अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ भाई टाइप बी तो ये हमें रिस्पॉन्स में दे देगा क्लास सेट इसका आउटपुट जो आएगा वो होगा एंगुलर राकेट में क्लास सेट इट मीन्स वो बता देगा कि जो आप वेरिएबल बी की बात कर रहे हो यहाँ पे ये वेरिएबल बी जो है ये सेट टाइप से बिलोंग करता है फाइन तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं आई होप आपको ये असाइनमेंट वाला पार्ट एंड वेरिएबल्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब हम लोग ज़रा यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों को समझेंगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे मल्टीपल असाइनमेंट क्या होते हैं एंड यहाँ पे और वेरिएबल ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होते हैं आखिरकार आप पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करेंगे और ये वर्क कैसे करने वाला है अज्यूम करते हैं हमारे पास कुछ वेरिएबल्स थे मान लीजिए मुझे ए में टू स्टोर करना था मुझे बी में थ्री स्टोर करना था हम लोग जनरली करके आ रहे हैं हर एक वेरिएबल को न्यू लाइन में लिख रहे हैं एंड देन इसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हैं बट पाइथन में हम लोग इस पूरी स्टेप को एक स्मार्ट मेथड से भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a कॉमा बी इक्वल्स टू टू कॉमा थ्री जहाँ पर पाइथन क्या करेगा पाइथन डायनामिकली हमारे इस वेरिएबल ए में इस फर्स्ट वाली वैल्यू को स्टोर कर देगा एंड वेरिएबल बी में इस सेकेंड वाली वैल्यू को स्टोर कर देगा सिमिलरली अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं तो आप ए कॉमा बी कॉमा सी को इक्वल्स टू करके कॉमास लगा कर सकते हैं एंड पाइथन क्या करता है डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को स्टोर कर देता है एक और इंपॉर्टेंट चीज अब अगर अज्यूम करिए हमारे पास एक वेरिएबल सी था जिसकी वैल्यू थ्री थी एक वेरिएबल डी था जिसकी वैल्यू थ्री थी अब आप देख सकते हैं वेरिएबल बी की भी वैल्यू थ्री है सी की भी वैल्यू थ्री है एंड डी की भी वैल्यू थ्री है तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल टू थ्री पॉलिथिन इस तरह से भी मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकता है जहाँ पर हम लोग एक कॉमन वैल्यू को अपने मल्टीपल वेरिएबल्स में ईजिली स्टोर कर सकते हैं तो ये कुछ टेक्निक्स से हमारे पास वैल्यूज को असाइन करवाने के या वैल्यूज को स्टोर करवाने के आई होप ये सारी टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी वेल well, अब इतना डिस्कस करने के बाद हमारे लिए यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वेरिएबल डेफिनेशन का कि आखिरकार वेरिएबल डेफिनेशन क्या होता है ये वेरिएबल डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कैसे वर्क करता है अज्यूम करते हैं कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट ए अगर मैं पाइथन को बोलूंगा प्रिंट ए और आप यहां पे ध्यान से देखिए मैंने ए को डबल कोट्स में नहीं लिखा हुआ है इट मीन ए इज अ वेरिएबल हेयर अगर मैं कुछ इस तरह से स्टेटमेंट को लिखता हूँ और प्रिंट करता हूँ तो पाइथन कभी भी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा बिकॉज़ पाइथन को पता ही नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पे ए लिखा है ये किस टाइप का वेरिएबल है या फिर इसकी वैल्यू क्या है ऐसे सदारी में हम लोगों को पहले यहाँ पर ए की वैल्यू को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से लिखता कि भाई ए वो टू है एंड देन प्रिंट ए अब यहाँ पे जो हमारा ए है वो डिफाइंड है एंड अब इसको पाइथन एग्ज्यूट कर सकता है या फिर प्रिंट कर सकता है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डेफिनेशन एंड हमारे सारे प्रोग्राम्स में फिर चाहे वो पाइथन हो या फिर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वेरिएबल्स को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक चीज याद रखनी है फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स एंड देन वी हैव टू यूज द वेरिएबल पहले हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद ही हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये वेरिएबल्स जो है भाई वाले, ये नहीं करेंगे. ठीक है आपको यहां को मिल सकती है आखिरकार पाइथन इन वैल्यूज को इन वेरिएबल्स को स्टोर कैसे करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाउ पाइथन स्टोर वैल्यूज पाइथन स्टोर कैसे करता है वैल्यू को क्या यहाँ पर कुछ अलग है तो जी हाँ यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पाइथन में और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चलिए ज़रा उसको हम लोग फटाफट से कंपेयर करते हैं सपोज़ करते हैं आप किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अदर पी एल इट मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पाइथन की ठीक है अब अज्यूम करते हैं भाई आप यहाँ पे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और आपने बोल दिया भाई ए इज़ इक्व टू टू है बी इज़ इक्व टू थ्री है और आपने बोल दिया d इज़ इक्वल्स टू टू है तो ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती थी हर एक वेरिएबल के लिए मेमोरी का एक ब्लॉक रिजर्व करती थी इस ब्लॉक का अपना कुछ एड्रेस होता था हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वन थाउजेंड फिफ्टीन है एंड इस ब्लॉक को वेरिएबल ए पॉइंट करने लगता था आप जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करते थे वो वैल्यूज़ आपके इस ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाती थी सिमिलरली क्या करेगा इस वेरिएबल बी के लिए एक ब्लॉक स्टोर कर लेगा भाई इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वन सेवनटीन है यहाँ पे थ्री स्टोर है एंड यहाँ पे आपने कर रखा है सी यहाँ पे आपने फाइव को स्टोर करके रखा हुआ है और अज्यूम करते हैं ये वन हंड्रेड एंड नाइन वन थाउजेंड एंड नाइनटीन है ठीक है अब अगर सपोज़ करिए मैंने भाई यहाँ पे टू को रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया टू की जगह पे फाइव तो अदर लैंग्वेजेस क्या करती थी उसी सेम लोकेशन पे उस प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर देती थी और उसको कुछ इस तरह से स्टोर कर लेती थी ओके उसको कुछ इस तरह से स्टोर कर लेती थी सपोज करिए मैंने यहाँ पर डी को चेंज करके कर दिया टेन तो यहाँ पर क्या होगा जो डी है हमारा सॉरी यहाँ पर डी रहे जो डी है आपका वो सडनली चेंज होकर हो जाएगा टेन सपोज करिए आपने यहाँ पर डी को चेंज करके कर दिया थ्री तो यहाँ पे भाई क्या होगा इस वाले लोकेशन में थ्री आकर स्टोर हो जाएगा इट मीन्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती थी हर एक वेरिएबल के लिए एक अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट करती थी और बाद में इन अलग मेमोरी लोकेशंस पे हमारी वैल्यूज जा करके स्टोर हो जाती थी और जब भी आप इन वैल्यूज को अपडेट करते थे तो उसी सेम लोकेशन में अवेलेबल मेमोरी बार बार वहाँ पर अपडेट होती रहती थी इट मीन्स वहाँ का डेटा इरेज होगा और उसकी जगह पर यू डेटा नाम लिया करके उसको ओवर कर देगा बट पाइथन में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा एफिशेंटली वर्क करता है चलिए देखते हैं कैसे सपोज करिए आपने ए में स्टोर करा बी फाइव बी में आपने स्टोर करा थ्री और आप सी में स्टोर कर रहे हैं टू पाइथन में क्या होता है जितनी भी हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एक कंजिकटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती हैं यहाँ पे सारी की सारी बेसिक वैल्यूज इट मीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन ये पहले से ही मेमोरी में स्टोर होगा और इनका अपना कुछ ना कुछ एड्रेसिंग होगा ठीक है मान लीजिए मैं अभी कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं ठीक है यहां पे कोई भी वेरिएबल का असाइनमेंट नहीं करा गया इटमीन पाइथन में ये चीज पहले से अवेलेबल है ये सारी बेसिक वैल्यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं वो किसी ना किसी इंडेक्स पे ऑलरेडी स्टोर्ड है जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं वो वेरिएबल जनरली क्या करता है उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है इट मीन्स ये जो ए है ये मेमोरी ए के लिए नहीं बनी है ए इसको पॉइंट करने का काम कर रहा है अगर मैं बी की बात करूँगा भाई तो बी इसको पॉइंट करने का काम कर रहा है और अगर मैं सी की बात करूँगा तो सी इसको पॉइंट करने का काम कर रहा है ठीक है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सी की यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है वन बी का एड्रेस है 1019 थाउजेंड एंड ए का एड्रेस है 1023 बट अगर मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए ए का एड्रेस वन थाउजेंड फिफ्टीन था अगर आप वैल्यू को चेंज करके सिक्स कर देंगे तो सेम एड्रेस में आपकी जो वैल्यू है भाई वो अपडेट हो जाएगी बट अगर मैं इस सीनारी की बात करता हूँ अगर मान लीजिए आप आगे चल के ए की वैल्यू को चेंज करके सिक्स कर देते हैं आपने बी की वैल्यू को चेंज करके लेट सपोज फोर कर दिया एंड आपने सी की वैल्यू को भी फोर कर दिया अब ऐसे सीनारी में क्या होगा पाइथन जनरली क्या करेगा इन वैल्यूज इन वेरिएबल्स को जो पॉइंट कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देगा अब जो ये ए था वो भाई पॉइंट करने लगेगा सिक्स को ये जो आपका बी सी थे पॉइंट करने लगेंगे को ठीक है इससे एक एडवांटेज भी हो रहा है आप देखिए इस वैल्यू को दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में यहां पर आप देख सकते हैं स्टोर करा जा रहा था जैसे कि बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर जो सेम वैल्यू थी वो एक कॉमन मेमोरी लोकेशन में स्टोर है एंड उसको दो वेरिएबल शेयर कर रहे हैं ठीक है तो जब भी हम लोग पाइथन में बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की कैसे वैल्यूज स्टोर होती हैं तो पाइथन क्या करता है बहुत सारा डायनेमिकली इनको स्टोर करता है ये लीस्ट मेमोरी का यूज़ करता है एंड हमारे वेरिएबल्स को मेमोरी ब्लॉक री करने में भी हेल्प करता है ठीक है इट मीनस यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो वेरिएबल्स हैं वो उसी सेम ब्लॉक पर पॉइंट कर रहे हैं जैसे आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ये किसी और ब्लॉक को यहाँ पर पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे जिससे जो आपकी प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी एंड प्रोग्राम्स बहुत ही स्मूथली वर्क करेंगे कम से कम टाइम में तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास के लास्ट कंसेप्ट के बारे में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है हमारे लिए दैट इज हाउ यू विल टेक इनपुट्स इन पाइथन ठीक है आप पाइथन में इनपुट्स कैसे लेंगे जैसे ही आपको पाइथन में इनपुट्स लेना आ गया आप समझ जाइए कि भाई आप प्रोग्रामर बन चुके हैं और आप बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं पाइथन के इनपुट के बारे में कि आप पाइथन में वैल्यूज को इनपुट कैसे करवाएंगे जब भी हम लोगों को पाइथन में कभी भी इनपुट करवाना होता है सबसे पहले हम लोग यहां पर एक वेरिएबल नोटेशन का यूज करते हैं और हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट मेथड ये जो इनपुट मेथड है ना ये यूजर को प्रॉम्प्ट करता है कि भैया मुझे इनपुट चाहिए मुझे इनपुट दे दो और जो भी आप वैल्यू इनपुट में दोगे वो जाके स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल ए के अंदर बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है इस इनपुट वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं एक स्टेटमेंट एंड यहाँ पे जो हम लोग स्टेटमेंट टाइप करते हैं ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे आउटपुट विंडो पे एज इट इज विजिबल हो जाती है ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे आउटपुट विंडो पे as it is जो है भाई ये विजिबल हो जाती है मैं आपको यहां पर छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज करिए आपको यूजर से उसका नेम एंटर करवाना था तो आपने लिख दिया a equals to input enter your name and suppose करिए फिर उसको आप प्रिंट भी कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से print a अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट विंडो पर सबसे पहले लिख करके आएगा एंटर योर नेम उसके आगे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा भाई सपोज मेरा नाम रजत है अगर मैंने यहां पर रजत लिखा तो ये क्या करेगा भाई नेक्स्ट लाइन में आउटपुट भी आ प्रिंट कर देगा फाइन तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं यहां पे इनपुट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड बाद में वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं फाइन अब आपको यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है भाई बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये जो आपका इनपुट फंक्शन है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये स्ट्रिंग टाइप का है ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट जो भाई हम लोगों का इनपुट फंक्शन है ना ये बेटा स्ट्रिंग टाइप का है इट मीन्स आप यहाँ पे जितने भी इनपुट्स लेंगे डिफॉल्ट नेचर में वो सारे के सारे इनपुट जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप के होके स्टोर होने वाले हैं ठीक है थीके? अब अगर ये स्ट्रिंग टाइप के होके स्टोर होने वाले हैं इट मीन्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारी कैलकुलेशंस के टाइम पे राइट जब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कैलकुलेशन के टाइम पे तो हम लोग यहां पे कुछ अलग करने वाले हैं हम लोग इन वैल्यूज को फोर्सफुली कन्वर्ट करने वाले हैं अपने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने क्या पे प्रोग्राम लिखा ठीक है अज्यूम करते हैं भाई मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहां पे नॉर्मल सा कि वाप टू इनपुट टू नंबर्स एंड मैंने बोला भाई एक प्रोग्राम लिखो जहां पे क्या करो दो नंबर इनपुट कराओ और उनको ऐड कर दो अब आप देखिए आप इस प्रोग्राम को पाइथन में कैसे लिखेंगे आप लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ठीक है आप यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज लेने वाले हैं बाइटफॉल्ट रहेंगे वो स्ट्रिंग टाइप की और स्ट्रिंग टाइप वाली वैल्यूज को हम लोग बाद में ऐड नहीं कर पाएंगे फाइन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू फ्लोट अब ये फ्लोट क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा फिर मैंने उसके अंदर लिख दिया इनपुट फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर सिमिलरली मैंने लिखा बी इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर फाइन अज्यूम करते हैं हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिख दिया है उसके बाद में लिख देता हूं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सम इज सी, ठीक है हम लोगों ने भाई कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया है। अब जरा देखते हैं कि पाइथन इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा पाइथन इस छोटे से कोड को कैसे इंटरप्रेट करेगा ठीक है जैसे ही आपने लिखा ए इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट अब देखिए यहां पे क्या होगा सबसे पहले तो ये जो इनपुट फंक्शन है ना ये एक आपको एक स्टेटमेंट दिखाएगा आउटपुट विंडो पे वो स्टेटमेंट होगी एंटर फर्स्ट नंबर

क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं अब देखिए अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि यूजर ने नंबर एंड कर दिया एंटर कर दिया टेन पॉइंट फाइव और आपने यहाँ पे फ्लोट टाइप नहीं लिया तो पाइथन इसको एज एन एरर अज्यूम कर लेगा आर्ड एस वैल्यू को वेरिएबल ए में स्टोर लेगा और हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने लिए पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए फिलहाल के लिए अभी फ्लोट टाइप का यूज कर रहे हैं आने के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और डेटा टाइप्स बताऊंगा मैं बताऊंगा कैसे हम लोग उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं कैसे हम लोग इन वेरिएबल्स का टाइप चेंज कर सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है क्या करेगा भाई डायरेक्टली प्रिंट कर देगा हम लोगों को सम इज थर्टी ठीक है पॉइंट जीरो लगा देगा साथ में थर्टी पॉइंट जीरो बिकॉज आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यूज थी ये फ्लोट टाइप की थी इतनी से आप एक पॉइंट जीरो था तो सेम हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा हमारे फ्लोट टाइप का ठीक है इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज को टाइप कास्ट कर सकते हैं इट मीन हम लोग उनका टाइप चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग से फ्लोट में या फिर अगर आपको यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज चाहिए थी तो आप यहाँ पर फ्लोट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं स्टेंट इंट अगर आप, आप यहाँ पे इंट लिखेंगे तो ये हम लोग की वैल्यूज़ है ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट से पाइथन के आई होप आपको ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आज हम लोगों ने डिस्कस करा पाइथन में असाइनमेंट के बारे में वेरिएबल्स के बारे में इनपुट स्टेटमेंट के बारे में आंट कुछ और बेसिक फीचर्स के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक कर नहीं करा है तो बिल्कुल से बिल्कुल जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अभी इसके बाद आपको डिस्प्ले पे हमारी बहुत सारी लिंक्स देखने को मिलेंगी अगर आपने अभी तक का हमें हमारे अदर प्लेटफॉर्म से ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से जाइए और हमें ज्वाइन करिए जैसे ही मुझे इस वीडियो पर ट्वेंटी लाइक्स मिल जाएंगे मैं प्रीवियस वीडियो एंड इस वीडियो दोनों के नोट्स अपलोड करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर बट आपको एक चीज़ याद रखनी है अगर आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर रहे हैं तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है कंप्यूटोरियल इन विदाउट एनी थिंग इन द मिडिल ऑफ दैट आपको डायरेक्टली टाइप करना है कंप्यूटर टेलीग्राम पर विदाउट एनी स्पेस और एनी थिंग जो आपको वहाँ पे चैनल मिलेगा इस आई डी के साथ में यहाँ पे अंडर स्कोर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में ठीक है उसमें अभी करेंटली आई गेस्ट नाइन और टेन पार्टिसिपेंट्स हैं आपको वो वाला चैनल ज्वाइन करना है कर लिया कर लेना है जितने भी बच्चों ने प्रीवियस चैनल ज्वाइन कर लिया था प्लीज उसको लीव कर दीजिए बिकॉज वाला चैनल जो है वर्किंग साइट में नहीं है अभी तो आप उसको लीव कर सकते हैं और वापस से जाके इस न्यू चैनल को वहाँ पर जॉइन कर सकते हैं तो अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा वहाँ पर जाकर ज्वाइन करिए सो दट आई कैन शेयर Thank you so much guys and stay tuned.